हमारे जैन शासन में तीन तत्व कहे गए हैं, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। और उसमें जो गुरु की महिमा है वो केवल जैन दर्शन में नहीं, संसार के जितने भी धर्म हैं, संसार के जितने भी दर्शन हैं, उन सभी ने इस गुरु पद की महिमा को स्वीकार किया है। गुरु शब्द अपने भीतर गहन रहस्य को लेकर के, अपार अर्थ को लेकर के बैठा है। और संसार में यदि गुरु तत्व नहीं होता तो ना तो हमें परमात्मा के बारे में हमको पता चलता और ना हमें धर्म मिलता। परमात्मा के बारे में केवल हमने सुना ही सुना है, लेकिन उस परमात्मा तत्व का साक्षात कराने वाला यदि कोई तत्व है तो वो गुरु तत्व है। महामंत्र नवकार में हम देखते हैं अरिहंत और सिद्ध के बाद में जो तीन पद हैं वो गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसमें भी पहला पद गुरु में आता है, नमो आयरियन, आचार्य भगवंतों को नमस्कार। परम परमात्मा महावीर स्वामी जिस समय उनका निर्वाण काल बिल्कुल समीप था और इस अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर होने के कारण अब आने वाले पंचम काल में कोई तीर्थंकर होना संभवित नहीं था, वह चरम तीर्थपति थे। और इस कारण इंद्र के मन में दुविधा उत्पन्न हुई कि जब परम परमात्मा मोक्ष में चले जाएंगे तब इस संसार में तीर्थंकर भगवंतों के बिना हमें धर्म का उपदेश कौन देगा। तब इंद्र ने परमात्मा से पूछा कि प्रभु, जिस समय इस भरत क्षेत्र से ये तीर्थंकर रूपी सूर्य अस्त हो जाएंगे और केवल ज्ञानी रूपी चंद्रमा भी अस्त हो जाएंगे, उस समय इस जिन शासन रूपी नव मंडल को आलोकित करने वाला कौन। यदि सूर्यास्त हो जाता है और रात्रि में यदि चंद्रमा भी निकल आता है तो चंद्रमा की चांदनी में फिर भी आप अपना जीवन व्यवहार चला लेते हैं, लेकिन यदि मान लो ना सूर्य हो और ना चांद हो तब इस संसार की कैसी दशा हो। तो प्रभु, यदि तीर्थंकर रूपी सूर्य भी नहीं होंगे और केवल ज्ञानी रूपी चंद्रमा भी इस धरती पर इस नव मंडल में नहीं होंगे तो प्रभु उस समय इस संसार को आलोकित करने वाला कौन, इस संसार को प्रकाशित करने वाला कौन। तो उस समय परम परमात्मा कहते हैं, अथमीय जिन सूरज केवल वंदी जे जगदीवो भुवन पदार्थ प्रकटन प्रकुटे आचारज चिरंजीवो रे भविका आचारज चिरंजीवो। तुम चिंता क्यों कर रहे, मानता हूं कि मेरे निर्वाण के बाद इस पंचम काल में आने वाले अवसर्पणी काल में जो दो काल पंचम और छठा आ रहा है उसमें कोई तीर्थंकर परमात्मा इस भरत क्षेत्र में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, मेरे निर्वाण के बाद में केवल ज्ञानी रूपी चंद्रमा के अस्त हो जाने के बाद में भी अगर कोई तत्वों को प्रकाशित करने वाला होगा, कोई धर्म के द्वार को उद्घाटित करने वाला होगा तो आचार्य चिरंजीव और भविका, इस संसार के अंदर में ये जो आचार्य भगवंतों की परंपरा चलेगी
वह इस संसार को धर्म के प्रकाश से प्रकाशित करती रहती। और यह जो परंपरा है 21,000 वर्षों तक ये मेरा शासन चलने वाला है। 21,000 वर्षों तक इस जिन शासन को समय समय पर एक से एक धुरंधर, एक से एक विद्वान, एक से एक महारथी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, योगी, ऐसे ऐसे गुरु भगवान इस जिन शासन को प्राप्त होते रहेंगे। और ये मेरा जो शासन है, ऐसे आचार्यों के तप जब साधना के बल पर एक दो बीस नहीं 21,000 वर्षों तक मेरा यह शासन चलने वाला है। आज हम देखते हैं कि परमात्मा के निर्वाण के बाद आज परमात्मा के इस शासन की नैया में खेवैया यदि कोई है तो कौन है? आचार्य भगवान, जिन शासन की समस्त धुरा को वहन करने वाले ऐसे आचार्य भगवंतों के उपकार को भला हम कैसे भुला सकते हैं? परमात्मा महावीर स्वामी की पार परंपरा में हम निहारे, परमात्मा महावीर के बाद में सुधर्मा स्वामी आए, सुधर्मा स्वामी के बाद में जम्बो स्वामी आए, जम्बो स्वामी के बाद में स्वयंभवसूरी आए, स्वयंभवसूरी, प्रभवसूरी इत्यादि लंबी लिस्ट। और एक एक आचार्य भगवंतों ने जो जिन शासन के कार्य किए हैं, और आज भी हमारे इस संघ के ऊपर, इस संपूर्ण जिन शासन के ऊपर में यदि किसी का महान उपकार है तो वह सभी आचार्य भगवंतों का है। क्योंकि आचार्य भगवंत वो हमारे चतुर्विध श्री संघ के राजा हैं, महाराजा हैं। और यहां तक ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया कि इस पंचम काल में आचार्य भगवान साक्षात तीर्थंकर के समान है, समतुल्य है। तीर्थ यर समो सूरी, तीर्थंकर के अभाव में, तीर्थंकर के समान यदि पे पूजने जाने वाले हैं तो वह आचार्य भगवंत है। इतनी महिमा आचार्य भगवंतों की, तीर्थ यर समो सूरी, तीर्थंकर के समान सूरी भगवंतों की महिमा करेगी। आज हम जो भी परमात्मा के शासन के अंदर में प्राप्त कर रहे हैं ये हमारे आचार्य भगवंतों की देन है। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता की स्तुति के अंदर में हम एक पंक्ति बोलते हैं आचार्यों के लिए, आचार्य जिन शासनो नति कर। आचार्य भगवंतों के ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये जो परमात्मा का संघ है, ये जो परमात्मा का स्थापित किया हुआ तीर्थ है, इस तीर्थ की रक्षा करने की जवाबदारी, इसके संरक्षण की जवाबदारी, इसके संवर्धन की जवाबदारी यदि किसी के कंधों पर है तो आचार्य भगवंतों के कंधों पर। और साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन चतुर्विध श्री संघ को संभालते हुए और शासन की प्रभावना करने वाले, शासनोन्नति करा, शासन की उन्नति करने वाले यदि कोई होते हैं वो आचार्य भगवंत होते हैं। आचार्य भगवान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के ज्ञाता होते हैं, किस समय किस स्थिति में कौन सा निर्णय लेना, पीछे से चली आ रही परंपरा की लकीर के ऊपर ही नहीं चलना, श्री संघ का योग्य मार्गदर्शन करना, किस समय समाज को संघ को कौन सी दिशा पर ले जाना है, समय और स्थिति के जानकार होते हैं, समय के पाठ भी होते हैं, समयज्ञ होते हैं। बहुत बड़ी विशेषताएं आचार्य भगवंतों में होती हैं। हमारे जिन शासन में अनेक आचार्य भगवंत हैं, कितने ही आचार्य भगवंतों ने अपने जीवन काल में श्री संत को उपदेश देकर के, भाग्यशालियों को उपदेश देकर के शासन किए। मणि से आचार्य भगवंत अगर भी पाठ पर विराजमान हुए,
अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हमारे जिन शासन में अनेक आचार्य भगवंत ऐसे हुए हैं जिन्होंने श्री संगम को उपदेश दिया, श्रावकों को उपदेश दिया, भाग्यशाली पुण्यशालियों को ऐसी ऐसी प्रेरणाएं करी और अनेक तीर्थों का उद्धार किया, अनेक जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, अनेक परमात्मा भक्त जिन पूजक तैयार किए, तीर्थों की रक्षा करी, तीर्थोधारक कहलाए, कितने ही आचार्य भगवान ऐसे हुए जिन्होंने इस संघ को तब त्याग और वैराग्य की त्रिवेणी में स्नान करवाया, राग से विराग और विराग से वितरागता की ओर ले जाने के लिए उनके हृदय में संयम के बीजों को बोया, वैराग्य से उनके जीवन उपवन को महका दिया और उनको संयम के मत पर, चारित्र के मार्ग पर उनको आगे बढ़ाया। कितने ऐसे दीक्षा दानेश्वरी आचार्य भगवंत इस शासन में हुए, कितने ही आचार्य भगवंत ऐसे हुए कि जिन्होंने आगमों का गहन अध्ययन किया और परमात्मा वाणी के तत्वों का, मोतियों का उन्होंने अथाह संग्रह किया और संघ शासन और समाज को वितरित किया। कितने ही प्राचीन ज्ञान भंडारों को व्यवस्थित किया, आगमों को संरक्षित किया, आगमों के ऊपर में उन्होंने कार्य किए, अलग 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 क्षेत्रों के अंदर में एक से एक बढ़कर के धुरंधर आचार्य इस जीव शासन को प्राप्त हुए। लेकिन इन्हीं आचार्यों के क्रम में एक आचार्य भगवंत ऐसे हुए कि जिन्होंने समय क्षेत्र और काल को देखते हुए, जिन्होंने समाज की नाड़ी को समझा, जिन्होंने समाज की पीड़ा को समझा और इतनी गहराई तक जिन्होंने देख करके और एक नई क्रांति, एक नई दिशा का सूत्रपात किया, और वो थे आचार्य भगवान विजय वल्लभ सिंह महाराज। जिस समय हमारे जैन समाज के अंदर अनेक आडंबर, अंधविश्वास, अशिक्षा का बोलबाला था, हमारे जैन समाज के अंदर जिस समय अपना ही साधर्मिक भाई जिसके कोई आंसू भी लुचने वाला नहीं था, अपने ही समाज के उस वर्ग को कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे अपने साधर्मिक भाइयों को, अपने साधर्मिक को गले लगाने वाला यदि कोई युग पुरुष हुआ तो वो हुए विजय वल्लभ सुरी महाराज। अपने समाज को शिक्षण की दिशा देने वाले, संस्कारों की ओर आगे बढ़ाने वाले, अशिक्षा का अंधियारा दूर करके और उनके जीवन में भी संस्कारों की रोशनी फैलाने वाला अगर कोई युग पुरुष हुआ तो विजय वल्लभ सुरी महाराज। ऐसे युग पुरुष धरती पर आचार्य भगवंत की स्वर्णिम श्रृंखला गुरुदेव ने देखा कि ये मेरा जैन समाज समृद्ध समाज, लेकिन जो महलों में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे वर्णों में रहते हैं, अट्टालिकाओं में रहते हैं, उनको अपने ही समाज का पता नहीं, उनको अपने ही भाइयों की चिंता नहीं है। आज अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए हर कोई लाखों खर्च देता है, लेकिन अपना ही भाई भूखा बैठा हो उसके लिए चिंता करने के लिए उसके पास समय नहीं, उसके आंसू लुचने के लिए उसके पास में फुर्सत नहीं है, उसका दुख दर्द दूर करने के लिए उसके हाथ नहीं उठते हैं, भले वो जे
खेत कुल में पैदा हुआ हो, भले समृद्ध परिवार में उसने जन्म लिया हो, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा का सच्चा अनुयायी नहीं है, वो सच्चा जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। साधर्मिक हमारे जैन शासन की नींव है। परमात्मा ने सात क्षेत्र कहे, सात क्षेत्र, जिन मंदिर, जिन बिंब, जिन आगम, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये सात क्षेत्र है। जिन मंदिर की बात करें या जिन प्रतिमा की बात करें या जिन आगम की बात करें, साधु हो, साध्वी हो, श्रावक या श्राविका हो, इन सातों ही क्षेत्रों को संचालित करने वाला यदि कोई क्षेत्र है तो वह श्रावक। श्रावक ही जिन मंदिर संभालता है, श्रावक के ऊपर में ही जिन प्रतिमाओं की पूजा, जिन प्रतिमाओं की संभालना, श्रावक ही साधु साध्वी को संभालता है। सारे के सारे क्षेत्र एक श्रावक रूपी क्षेत्र के ऊपर टिके हुए हैं। तब गुरु वल्लभ ने कहा ये तो सात क्यारियां हैं। सात क्या, अगर एक क्यारी के अंदर भी हम पानी देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे तो क्या होगा कि अधिक पानी देने से वो क्यारी भी खत्म हो जाएगी। और दूसरी क्यारियों में यदि हमने ध्यान नहीं दिया, यदि उनमें हमने पानी नहीं दिया तो वो भी क्यारियां सूख करके खत्म हो जाएंगी। एक क्यारी की ओर हमारा ध्यान ही ध्यान है, उधर पानी 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 कर रहे हैं और दूसरी क्यारियां हमारी सूख रही हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि ऐसा नहीं, श्रावक रूपी जो कुआं है उस श्रावक रूपी कुएं में से जो जल निकले वो जल इन सभी क्षेत्रों के अंदर में समान रूप से सिंचित करने वाला हो, तभी तो सातों क्षेत्र हमारे पर बलवित होंगे। आज हमने श्रावक और श्राविका समाज को एक तरफ कर दिया, आज साधु साध्वी भगवंतों को एक तरफ कर दिया। आज हमारा समाज अगर संघ के अंदर में पहले से दो मंदिर हैं तो प्लानिंग चलती है कि हम दो चार मंदिर और खड़े करते हैं, भले पूजा करने वाले नहीं हो। एक के बाद एक जिन मंदिरों के निर्माण की श्रृंखला, लेकिन क्या उतने संख्या के अंदर में हम पूजा करने वाले भी पैदा कर रहे हैं? क्या उतनी संख्या के अंदर में जिन पूजक भी तैयार हो रहे हैं? जिन मंदिर निर्माण होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, लेकिन उनके साथ में हमारे साथ साथ में उतने संख्या केंद्र में पूजा करने वाले परमात्मा के मार्ग पर बढ़ने वाले भी तैयार होने चाहिए। लेकिन वो कब होंगे? जब हमारा साधर्मी का पाया मजबूत होगा, जब हम साधर्मी को अपने समान बना लेंगे, जब हम अपने साधर्मी को उसके दुख दर्द को दूर करके, उसकी पीड़ा को दूर करके और उसको भी हृदय से लगा लेंगे, तब हमारा साधर्मिक बचेगा। और यदि साधर्मिक बचेगा तो हमारे जिन मंदिर बचेंगे, हमारे तीर्थ बचेंगे, हमारे धर्म स्थान बचेंगे, हमारे सातों के सातों क्षेत्र तभी बच पाएंगे यदि साधर्मिक होगा। इन साधर्मिकों की पीड़ा को समझा था गुरु वल्लभ। उन्होंने देखा वो समाज की सौ लगा, थोड़ा सा इनको दिशा देनी पड़ेगी। और गुरुदेव ने 100 वर्ष पहले समाज को एक दिशा दी, एक प्रेरणा दी। और उस समय वो अकेले थे, उस दिशा में चलने वाले, उस दिशा में कार्य करने वाले, लाख तूफान हुए, लाख विरोध हुए, लेकिन गुरुदेव कहते कि मेरा विजन सही है, मेरा आने वाला जो समय है, आज का मेरा किया काम आने वाला समय उसका जवाब देगा। और उस समय गुरुदेव ने जो कार्य किए साधर्मी के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में, जिन शासन प्रभावना के क्षेत्र में, तीर्थोद्धार के क्षेत्र में, आगमों के संशोधन के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें गुरुदेव ने कार्य न किया हो, फिर भी गुरुदेव की जो पहचान बनी है वो विशेष करके दो क्षेत्रों में बनी है, एक तो संस्कार के साथ में शिक्षण और दूसरा साधर्मी का उद्धार। आज पुनः हमारे समाज को अपने साधर्मी को आज समझने की जरूरत है, आज अपने साधर्मी को वापस गले लगाने की जरूरत है।
गुरुवल्लभ जिस समय उनकी उम्र 84 वर्ष की और 84 वर्ष यानी कि उनके जीवन का अंतिम वर्ष, और उस समय गुरुवल्लभ मुंबई में विराजमान थे, उनकी काया जर्जरित हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी, अशक्त हो चुकी थी, फिर भी सिंह जैसी उनकी गर्जना थी। 84 वर्ष की वृद्ध काया में जब गुरुदेव को पता लगा कि आज भी मेरे इतने ऐसे साधर्मिक परिवार हैं कि जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनको सुबह शाम की भी नसीब नहीं है, जैसे ही गुरुदेव को यह बात पता चली, उसी समय गुरुदेव ने एक अभिग्रह धारण किया। 84 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने कहा कि जब तक मेरे इन साधर्मिक भाइयों के लिए, मेरे इन साधर्मिक परिवारों के लिए 5,00,000 रुपए का फंड नहीं हो जाता, मैं दूध और बाकी सब वस्तुओं का त्याग करता। 84 वर्ष की उम्र में गुरुदेव कोई आहार ग्रहण नहीं कर सकते थे, केवल दूध लेते थे और दवाई लेते थे। अपने साधर्मिक भाइयों की पीड़ा को दूर करने के लिए उस युग पुरुष ने, अपने समाज, अपने संघ, अपने शासन की उन्नति के लिए उस युग पुरुष ने दूध और दवाई का भी त्याग कर दिया। 84 वर्ष की उम्र में सारे मुंबई के अंदर में हाहाकार मच गया, गुरुदेव ने त्याग कर दिया, गुरुदेव ने त्याग कर दिया। देखते ही देखते माताओं बहनों ने अपने गहने निकाल निकाल करके झोली में डालने शुरू कर दिए। घर घर के अंदर में एक ही बात, गुरुदेव का अभिग्रह पूरा हो, गुरुदेव का अभिग्रह पूरा हो। छोटे छोटे बच्चे भी झोली ले लेकर के घर घर जाते हैं, गुरु का अभिग्रह पूरा करना है। उस समय 5,00,000 की रकम बहुत बड़ी हुआ करती, आज तो 5 करोड़ देने वाले भी बैठे हैं। 5,00,000 उस समय का जो फंड है उसमें बहुत बड़ी बात थी। 5,00,000 का फंड गुरुदेव ने करवाया और उन साधर्मिक परिवारों को सद्धर किया, स्वावलंबी बनाया, स्वाश्रय बनाया। और गुरुदेव ने कहा ये स्वामी वत्सल क्या है, केवल खिला दिया और उसके बाद में हो गया स्वामी वत्सल, उसके पास शाम को खाने के लिए है या नहीं है उसकी कोई चिंता नहीं, एक टाइम खिला दिया, जो कोई स्वामी वत्सल नहीं। अपने साधर्मिक को अपने समान बना लेना, उसका नाम है साधर्मिक वात्सल्य। साधर्मिक वात्सल्य जो समान धर्म वाला है उसको अपने समान बना लेना, उसके दुख दर्द को दूर कर देना। 84 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने ये जो अपने साधर्मिक परिवारों के लिए कार्य किया, उसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए गुरुदेव समुद्र सूरी जी महाराज, उन्होंने भी मुंबई में नाला सुपारा में अपने साधर्मिक परिवारों के लिए आत्मवल्लभ नगर बसाया और 540 फ्लैट साधर्मिक भाइयों के लिए बनवाए और सब सम्मान 540 साधर्मिक परिवारों को वहां बसाया गया। कांदीवली के अंदर में, महावीर नगर के अंदर में, वहां पर साधर्मिक भाइयों के लिए 250 फ्लैट बने और वो साधर्मिक भाइयों को दिए गए। गुरुदेव समुद्र सूरी जी महाराज के बाद में गुरुदेव इंद्रदेव सूरी जी महाराज आए, और जब गुरुदेव हस्तिनापुर में विराजमान थे और उस समय उनका जन्मदिन था, चातुर्मास में जन्मदिन उनका आता, सारे गुरु भक्त गुरुदेव के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे, और उस समय पंजाब के अंदर आतंकवाद का दौर था, बहुत मारकाट होती थी, उठा के ले जाते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी, सड़क के ऊपर में कत्लेआम चलते थे, व्यक्ति घर से निकला है शाम को जीवित लौटेगा या लाश आएगी कुछ पता नहीं था, ऐसी स्थिति पंजाब की थी। स्वर्ग जैसा पंजाब नरक बन चुका था, और उस समय इस पंजाब की स्थिति को देख करके गुरुदेव बड़े चिंतित थे। गुरुदेव हस्तिनापुर में थे, सभी लोग बधाइयां दे रहे थे, उस बधाई की पंक्ति के अंदर में एक पंजाबी गुरु भक्त जीवन में पहली बार गुरु के चरणों में आया, अभय ओसवाल, गुरुदेव को बधाई दी, गुरुदेव आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई गुरुदेव, आप चिरायु हो शतायु हो, आपके हाथों से खूब शासन के कार्य हैं। गुरुदेव ने कहा अरे अभय काहे का जन्मदिन, काहे की खुशी, गुरुदेव की आंखों में से आंसू के बूंदे टपक पड़ी,
गुरुदेव, आज आपका जन्मदिन है और आज आपके जन्मदिन पर ये दुनिया भर से आपके भक्त आए बधाई देने के लिए और आपकी आंखों में से आंसू। गुरुदेव कहते अभे काहे की खुशी, काहे का जन्मदिन, मैं एक आचार्य हूं, मैं संघ का सेवक हूं, ये संघ मेरा परिवार है, और कौन है मेरा, ये संघ ही तो मेरा परिवार है। और इस समय पूरे पंजाब के अंदर में आतंकवाद का बोलबाला है। अभी उस वक्त तुझे परमात्मा ने शक्ति दी है, तुझे परमात्मा ने संपत्ति दी है, मेरा ये मन का जो बोझ है भैया तू दूर कर सकता है। अभी उस वाले कहा गुरुदेव आदेश दीजिए, मेरे योग्य क्या सेवा है, गुरु भक्त कैसा होता है, गुरु की पीड़ा को समझने वाला कैसा होता है। आज हम गुरुदेव के पास में आते हैं, इच्छा सुहराई सुक्त शरीर निर्वाण सुख संयम यात्रा निवेद जो जी स्वामी साधा जी थे बस साधा पूछी निर्वाण भक्त केवा हो जी, खाली तन में साता नहीं, तन के साथे साथे गुरुदेव ने मन में पण साता दे। ध्यान रखे गुरुदेव तो देव गुरु पसाए कह देंगे, लेकिन भक्त कैसा कि गुरुदेव के चेहरे को पढ़ ले, उनके मन को पढ़ ले, उनकी पीड़ा को समझ ले, वह है सच्ची साधा। केवल तोता रटन करके पाठ पूरा करके खमास मन लेके हम रवाना हो गए, ये कोई गुरु वंदन नहीं हुआ। गुरु वंदन स्वामी साधा जी, गुरु को कहना नहीं पड़े, समझ जाए कि यहां गुरुदेव के मन में कोई ना कोई व्यथा है, उसको मुझे दूर करना है। अभी ओसवाल ने कहा गुरुदेव आदेश, पहली बार जीवन में आया था और गुरुदेव की नजर उसके ऊपर टिकी। गुरुदेव ने कहा अभय इस समय पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है तू अच्छी तरह जानता है भैया, मेरे जितने भी परिवार हैं, जितने भी साधर्मिक हैं, वे सभी अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, अपने घर को परिवार को व्यापार को सबको छोड़ करके केवल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। भैया मैं चाहता हूं कि पूरे पंजाब में जितने भी ऐसे परिवार हैं, जितने भी साधर्मिक बंधु हैं, मैं चाहता हूं तू उन सबको बसा दे, उन सबको सुरक्षित कर दे। उसी समय अभय ओसवाल ने उसी भरी सभा के अंदर में सौगंध खाई, गुरुदेव आज आपका जन्मदिन है, आने वाले जन्मदिन से पहले पहले लुधियाना में मैं आपके नाम से पूरा एक नगर बसाऊंगा और जितने भी ऐसे परिवार होंगे उन सभी को मैं वहां पर सम्मान बसाऊंगा। और उस अभय ओसवाल ने लुधियाना में 750 फ्लैट बनाए, अकेले व्यक्ति 750 फ्लैट बना करके और गुरुदेव को आमंत्रित किया, गुरुदेव की निश्रा के अंदर में आयोजन रखा और 750 परिवारों को ससम्मान तिलक लगा करके श्रीफल और चाबी दे करके 750 परिवार को बसा दिया। ये होती है साधर्मिक भक्ति। केवल हम अपने आयोजन करके इति श्री कर लेते हैं, हमारे कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं, समाज की पीड़ा को कौन समझेगा, समाज के दुख दर्द को कौन दूर करेगा। उसी परंपरा को आगे बढ़ा करके हमारे पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव उसी गुरु परंपरा में गुरुदेव चेन्नई पधारे, चातुर्मास हुआ, चातुर्मास के बाद में उपधान तप की आराधना चल रही है। गुरुदेव के मन में था कि मैंने सूर्य मंत्र की 2 पीठिकाएं करी हैं, मुझे 3री पीठिका भी करनी है, उपधान तक के आराधना में ही मैं सूर्य मंत्र की 3री पीठिका भी कर लूं। लाभार्थी परिवार से बात करी, गुरुदेव ने 3री पीठिका प्रारंभ करी, पीठिका पूरी हुई, गुरुदेव अपने जाप कक्ष से बाहर आए, उपधान के लाभार्थी परिवार गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए, गुरुदेव आपने यहां पर इस भूमि पर अपने सूर्य मंत्र की आराधना करी, गुरुदेव हमें धन्य धन्य किया, गुरुदेव हमारे योग्य क्या आदेश है, क्या कार्य है, हम आपके इस सूर्य मंत्र की पीठिका के उपलक्ष्य में हम ये महोत्सव करना चाहते हैं, ये आयोजन करना चाहते हैं, पंचाली का महोत्सव, अष्टाली का महोत्सव। गुरुदेव ने कहा कि भैया ये पंचाली का अष्टाली का तो ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इससे क्या मिलना, ठीक है करो, लेकिन कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा ठोस कंक्रीट काम करो जो समाज के काम आए। गुरुदेव
हृदय ने कहा कि भैया अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो ये बिल्कुल तुम्हारी चेन्नई और बेंगलोर नेशनल हाईवे के ऊपर में, ये तुम्हारे तीर्थ के साथ में जो तुम्हारी भूमि है, ये विशाल भूमि करोड़ों करोड़ों में जो तुम्हारी भूमि है, मुझे पता है कि ये तुम बेचने के लिए तैयार हो। रोज तुम्हारे पास ग्राहक आते हैं, सोने का टुकड़ा है, डायमंड है, देने के लिए तैयार हो। लेकिन भैया आज यदि तुम गुरु को कुछ देना चाहते हो तो आज मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जितनी बाजू की जमीन है इसको तुम्हें बेचना नहीं है। उस व्यक्ति ने एक क्षण नहीं लगाया, गुरुदेव तहती करोड़ों की भूमि, गुरुदेव तहती, गुरुदेव अब बताइए क्या आदेश है, भैया इसको धर्मदा कर दो, धर्म के लिए समर्पित कर दो। गुरुदेव तहती, गुरुदेव अब क्या करना है भैया, और कुछ नहीं करना। मेरी चेन्नई नगरी के अंदर में कितने ही ऐसे परिवार हैं जिनके पास में सिर ढकने के लिए अपनी छत रहती है, कितने ही ऐसे परिवार हैं जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी जीवन में हमारा भी अपना घर होगा। भैया और कुछ नहीं, इस भूमि के ऊपर में तू एक ऐसा नगर बसा देना कि जहां पर ऐसे परिवार को बसा करके हमेशा हमेशा के लिए तुम उनके रहने की, आवास की, रोजगार की उनकी व्यवस्था कर देना। और उस व्यक्ति ने वहीं पर सिर झुका दिया और उस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर में पूरा एक आत्मबल नगर बसाया, 72 फ्लैट उस व्यक्ति ने बनाए और साथ में रोजगार की व्यवस्था करी, नीचे बड़े बड़े हॉल बनाए, ऊपर घर बनाए और हॉल के अंदर में उसने व्यवस्था करी गृह उद्योग की। जो भी साधर्मी वहां पर गृह उद्योग के अंदर कार्य करेगा, अगर मान लो महीने के अंदर में 10,000 का काम करता है तो 10,000 को वो देगा ही देगा, सारा सामान उससे खरीद लेगा, 10,000 उस व्यक्ति को देगा, 10,000 तो उसका है ही, लेकिन 10,000 वो अपनी ओर से डाल करके उसको 20,000 देगा ताकि वो हमेशा के लिए स्वावलंबी बन जाए। ये है सात्विक भक्ति, ये है सच्ची सेवा, ये है शास्त्र की प्रभावना, ये है सच्चे मंदिरों का निर्माण, ये है तीर्थों का निर्माण। अगर व्यक्ति होगा तो ये मंदिर बचेंगे, नहीं तो मंदिरों को ताले लग जाएंगे। आज हमारा समाज कहा जा रहा है, आज हमारे संस्कार कहा जा रहे हैं। गुरु वल्लभ ने उस समय कहा, पूरे देश के अंदर में जिस समय क्रिश्चियन 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 ईसाई मिशनरियां स्कूल कॉलेज सेवा के नाम से पूरे देश के अंदर में जाग फैला रही थी, और उस समय हमारा जैन समाज भी, चलो भाई अपने भी किस स्कूल में भेजना है, इंग्लिश मीडियम चाहिए, और सभी उन स्कूल और कॉलेजों के अंदर में अपने बच्चे पढ़ने शुरू हो गए। और धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारे संस्कार धीरे 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 नष्ट होने लगे। तब गुरुदेव ने कहा था कि अगर जैन समाज को अपने संस्कारों को बचाना है तो अपने संस्थान बनाने होंगे, अपने स्कूल बनाने होंगे, अपने विद्यालय बनाने होंगे, अपने कॉलेज बनाने होंगे, ताकि हम अपनी संस्थाओं में हम अपने बच्चों को अपने संस्कार दे सके। इस कारण से गुरुदेव ने सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करी जिसमें महावीर जैन विद्यालय उनकी पहली संस्था है। और बड़े गौरव के साथ भी कहना पड़ता है कि सभुज में भी हमारे महावीर जैन विद्यालय के अनेक विद्यार्थी रहते, कई विद्यार्थी रहते हैं। 1914 में गुरुदेव ने महावीर जैन विद्यालय की स्थापना करी थी, 1914 में, आज 2018 आ गया, 100 साल से भी ऊपर उस संस्था को हो गए, 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी जिस संस्था की देन है, और इस जिन शासन के अंदर में ये ऐसे ऐसे विद्यालय के विद्यार्थी निकले जिन्होंने ना केवल देश में अपितु विदेशों में भी उन्होंने जैन धर्म का डंका बजाया है, ये गुरुदेव की संस्था का आभार है। अगर उस समय गुरुदेव ने महावीर जैन विद्यालय की स्थापना नहीं की होती तो शायद आज हमारा समाज 100% साक्षरता की कोटि में नहीं आता। कितना काम किया, आज पंजाब जैसे क्षेत्र के अंदर में गुरुदेव गुजराती थे, बड़ौदा के थे, राधनपुर उनकी दीक्षा भूमि है, बिल्कुल बाजू में अपने राधनपुर उनकी दीक्षा भूमि, बड़ौदा उनकी जन्मभूमि, लेकिन वो कहलाए क्या पंजाब जैसे। गुजराती होते हुए भी जो उन्होंने उपकार पंजाब क्षेत्र पर किया, कल्पना करो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय को कौमी जंग छिड़ा हुआ था, हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे थे, कत्लेआम हो रहे थे, और गुरुदेव पाकिस्तान में थे उस समय, सारे देश में उथल पुथल मची थी, सारा जैन समाज चिंतित था, हमारे गुरुदेव पाकिस्तान में, हमारे गुरुदेव पाकिस्तान में, उन
रही थी और आखिर केंद्रीय सरकार को उस समय गुरुदेव को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करनी पड़ी। अधिकारी पहुंचे, पधारो। गुरुदेव बोले, मैं तो नहीं आऊंगा भैया, मैं अकेला, मैं अपनी जान बचा करके भारत आ जाऊं और ये मेरा जो संघ, मेरा जो परिवार है, इसका क्या होगा? मैं संघ का भाई बाप हूं, अपनी जान बचा करके मैं अकेला नहीं आऊंगा, आऊंगा तो सारे संघ को साथ लेके आऊंगा, नहीं तो मैं एक के साथ यहीं पर हूं। आज कोई दूसरा हो तो क्या करेगा, चलो भाई अपने तो चलते हैं, बाकी जिसका जैसा होगा दिखा दे। हम अपनी जान बचाएं, बाकी जिसका जैसा होगा। हर व्यक्ति अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन वो जवाबदारी, वो जिम्मेदारी, वो योगक्षेम, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इस चतुर्वी शीर्षक के योगक्षेम की जवाबदारी जिम्मेदारी आचार्य के कंधों पर होती है। कितनी बड़ी जवाबदारी! गुरुदेव ने आना स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव ने उसी समय घोषणा करी, जब तक मेरे समाज का एक भी बच्चा यहां पर असुरक्षित है, मैं पाकिस्तान छोड़कर के भारत नहीं आऊंगा। और आखिर गुरु वल्लभ पूरे जैन समाज को, और इतना ही नहीं, जैन समाज के अगर दूसरे संप्रदाय के गुरु भगवंत भी वहां फंसे हुए थे, चाहे वो स्थानवासी परंपरा के थे, तेरापंथी परंपरा के थे, अगर वो भी उस समय पाकिस्तान के अंदर में फंसे हुए थे और गुरुदेव को पता लगा कि वहां कुछ साधु फंसे हुए हैं, तो गुरुदेव उनको साथ में लेकर के सुरक्षित सबको भारत लेकर के आए। ये यदि किसी में शक्ति थी तो गुरु वल्लभ में। कैसे संघ का रक्षण किया, कैसे संघ का संवर्धन किया, कैसे संघ को दिशाएं दी 100 साल पहले, कैसे उन्होंने शिक्षा के संस्कार जगाए होंगे, कैसे समाज को दिशा दी होगी, कैसे साधर्मी के दुख दर्द दूर किए होंगे। आज समाज को वही दिशा चाहिए, आज समाज को वही ऊंचाइयां चाहिए। आज यदि साधर्मिक हमारा रहा तो हमारे मंदिर भी रहेंगे, हमारे तीर्थ भी रहेंगे, हमारे संस्कार भी रहेंगे और हमारा जैनत्व भी रहेगा। और अगर साधर्मिक नहीं रहा तो हमारे कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम सब टिके किसके ऊपर है? साधर्मिक के ऊपर तो टिके। आज आवश्यकता है कि हम ऐसे गुरुदेव के जो बताए हुए आदर्श और सिद्धांत हैं उसके ऊपर चल करके अब कुछ नई दिशा के अंदर में हम काम करें, शासन की सच्ची प्रभावना करें।